अभी वहाँ पे जाके देखेंगे तो ही बता पाएंगे। वैसे तो मैंने भी वीडियो में ही सुना है। और यहाँ पे देखिए, मैंने ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं जाफा फोर्ट। यहाँ पे मेरा तो चश्मा ही उड़ गया। तो दोस्तों, अभी मैं अपने हॉस्टल से निकल गया हूँ और जा रहा हूँ जफा फेलिया मार्केट। ये यहाँ पे बताते हैं कि एंशियंट की बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके जब फलस्तीन और ये सारा एक हुआ करता था तो तब की सारी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। इनके कल्चरल चीज़ें हैं और डिफरेंट टाइप की। अभी वहाँ पे जाके देखेंगे तो ही बता पाएंगे। वैसे तो मैंने भी वीडियो में ही सुना है। तो अगर मैं अपने हॉस्टल जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ से हेजल स्ट्रीट है वो, अगर मैं वहाँ से निकलता पैदल तो लगभग 24 मिनट दिखा रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, चूज किया बस। बस के लिए देखिए, आप लोकेशन में डाल सकते हो, तो यहाँ पे लिखा है कि आप 3 मिनट चल के जाएंगे। और हाँ, आलिया ये बस का नाम होता है, सॉरी ये बस स्टेशन का नाम है। यहाँ बस लीजिए और आपको यहाँ फ्लेया मार्केट यहाँ पे आपको 1:04 पर उतार देगा। टोटल 12 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तो मेरे पास बस कार्ड था इसलिए मैं सोचा कि चलो बस ले लेता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बस का कार्ड जो है वो किसी भी दुकान से ले सकते हैं जहाँ पे ज़्यादातर मिक्स आइटम मिलते हों, जैसे सिम कार्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, मोबाइल चार्जर हो, तो वो सारी चीज़ें वहीं पे मिलती हैं। ये कार्ड जो है वो आपको लगभग 10 सेकल का देते हैं और उसमें बैलेंस डालते रहिए, 30 सेकल मिनिमम होता है। ये कैसे पता चलता है, यहाँ पे देखिए हालिया लिखा हुआ है, ये बस स्टैंड का नाम है और 44 दिया है, तो यानी यहाँ से जाएगी 44 नंबर पर। अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये कौन सा बस है। नहीं, ये कोई मेट्रो की बस है, पता नहीं, ये हमारी बस नहीं है, बहुत लंबी बस है। दो बस को जोड़ के जैसे बनाते हैं ना, तो जहाँ पे रोड वगैरह सही होता है दुबई में, हर जगह ऐसे ही बनाते हैं यार। एक तो यहाँ आप आना तो 019 होता है शायद, 019, उसका आप जो है सिम बिल्कुल मत लेना, बहुत बकवास है, रद्दी है, काम ही नहीं करता। एक मैप खोलो तो पूरा रुला देता है, और लेने के लिए पैसा लेगा, 10 सेकल का सिम लेगा, 50 सेकल रिचार्ज का, 60 सेकल, अब आप समझे 1200-1400 रुपये का सिम लेंगे और नेट ही नहीं चलता। यहाँ हॉट मोबाइल बोला जाता है, वो सबसे अच्छा है। एक चीज़ है इसराइल में जो आके मैंने देखा, यहाँ पे बुज़ुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यंगस्टर से तो ज़्यादा है। और यंगस्टर देखता हूँ अपना शराब पी के मस्त रहते हैं, कोई पार्टी कर रहा है, कोई वो कर रहा है, बुज़ुर्गों को यहाँ पे छोड़ देते हैं उनकी हालत में। 4 नंबर बस, और यहाँ पे देखिए मैंने राइड जो चुनी थी 44 का, इसमें 6 स्टॉप दिखा रहा है, सोलमो रोड एलिफ्लेट, और लास्ट का जहाँ पे उतरना उसे है फ्लेया मार्केट इफेक्ट। यहाँ से 3 मिनट आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। और कार्ड जब यहाँ पे आप जाएंगे तो ये कार्ड मशीन लगी हुई है यहाँ पे, और टच करेंगे, टच करने के बाद में 5.5 सेकेंड आपको कट जाएगा, आपको अपना बैलेंस चेक करना है और फिर आगे चढ़ना है। अगर आप ऐसे चढ़ते गए कोई आपसे यहाँ बोलने वाला नहीं है, लेकिन अगर इंक्वायरी हुई या कहीं पर ऑफिसर ने चेक किया तो फिर आपका आपके ऊपर शायद 1000 सेकल का फाइन है, तो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी रोड का एंजॉय करिए। दिल सेल में जो बोलते हैं, ये कहने का मतलब है अगला बस स्टैंड ये होगा, ठीक है। चेक करना जी आगे, वेलकम। तो अगर वहाँ पे हमने टच नहीं किया और इनको पता चल जाता है कि आपने जो है टिकट लिया है कि नहीं लिया। आई हैव I told you maybe it's easier. Okay, I have here
फॉर टूरिज्म टू आर थ्री डेज स्टे हियर एंड गो यू हैव टू गो इंडिया वेयर इन इंडिया एंड दिल्ली यू लाइक शर्मा फ्री इट्स टू बिजी हां इट्स वेरी बिजी अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। हेलो सर, वेयर इज जाफा फ्लेयर मार्केट? ये है जाफा पोर्ट। अभी मैं थोड़ा सा उधर नियर में जा रहा हूँ। आटे की गोलियाँ बना रहे हैं। मे आई हेल्प यू? मे आई हेल्प यू फॉर फिशिंग? वैसे मैं बता दूं, मैं कभी फिश नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ और कभी फिश नहीं पकड़ता, लेकिन बस ऐसे जिस दिन का दिल रखने के लिए बोला मैं आपका हेल्प कर दूं क्या। ओ नाइस। इतना तेज चल रहा था यार कि मेरा तो चश्मा ही उड़ गया। तो ये भाई कह रहे हैं रुकिए मैं चेक करता हूँ। हम भी ढूंढ रहे हैं। बिना चश्मे की तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मुझे दूर का कम दिखाई देता है। यार इन एक बताओ, इतने लहरों में कहाँ पे ढूंढे हैं हम? चश्मे का होगा यार इस फिशिंग के चक्कर में। ओमान में था तो बैग गुम हो गया, यहाँ आया चश्मा गुम हो गया, थोड़े पैसे थे उसमें वो भी गुम हो गया। आप वो जो सामने देख रहे हैं सारे होटल, यहाँ से लेके वहाँ तक सारे अलग अलग बीच हैं। कोई अबीब बीच है, कोई तेल अबीब बीच है, कोई बनाना बीच है, सारे बीच ही बीच हैं। और आप बता दूँ यहाँ तेल अबीब बीच और अबीब बीच ये दोनों डिफरेंट हैं, पर ये सारे सेम हैं। आप ऐसे लास्ट तक चले जाएंगे जो मैं दिखा रहा हूँ, तो वहाँ आपका एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है और सारे एम्बेसी हैं, मुझे पता नहीं है, पर वहाँ पे ऐसे है। और यहाँ पे देखिए उबर और लाइम, ये सारे जो स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं, तो ये सारे ऐसे हर जगह इनके स्टॉपेज बने हुए हैं। ये क्या भाई, ये तो हफड़ा लग रहा है, कुछ हो रही है, पता नहीं क्या चीज़ है यार। शाम के समय बहुत खूबसूरत लगता है। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू लिव इन हियर इसराइल? व्हाट यू थिंक अबाउट इंडिया? इज ब्यूटीफुल? ओके। मैंने यार आज सोचा जितने लोग मिलते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ से पूछता रहेंगे इंडिया के बारे में क्या सोचते हो। अभी तक तो मिला जुला के सब ने अच्छा ही बोला है। एरिया देख रहे हैं इसे बोलते हैं जाफा फोर्ट। यहाँ पे आप बोट जो है बोटिंग कर सकते हैं, और अगर आप फिशिंग करना चाहते हैं तो इनके पास उसके फिशिंग करने का सामान जो होता है वो होता है, उसका चार्ज लेते हैं कुछ, वो आप फिशिंग कर सकते हो। यहाँ आप रेस्ट कर सकते हो, रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं। ये है पूरा जाफा फोर्ट, आपको मैंने दिखा दिया। अब चलिए यहाँ से चलते हैं मार्केट की तरफ। यार चश्मा नहीं है ना, रियली बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वैसे एक चश्मा मेरे और पड़ा है बैग में, उसे वहाँ जाना था, वो चला गया। Почему? Почему? Почему?
का नज़र।